लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीटिंग में चर्चा। AIMPLB ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तैयार किया ड्राफ्ट, लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। यूसीसी पर मीटिंग लगातार जारी है और ऐसे में लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। तो लगातार इस वक्त की बड़ी जानकारी, यूसीसी पर AIMPLB की मीटिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये मीटिंग हो रही है और यूसीसी पर किया है ड्राफ्ट तैयार, लॉ कमीशन को सौंपा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। तो दोपहर 1 बजे तक चलेगी वर्चुअल मीटिंग, यानी ये मीटिंग अभी भी जारी है, यूसीसी पर ये मीटिंग हो रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे रिपोर्टर सैयद मुबशिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सैयद मुबशिर, लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इसमें चर्चा हो रही है, हालांकि ये बताया जा रहा है बैठक अभी भी जारी है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? अब बिल्कुल हैदर, देखिए तकरीबन 35 से ज़्यादा जो मेंबर हैं वो लोग हैं, मेंबरों के अलावा कई दूसरी जमियत के भी लोग हैं, चाहे वो जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे वो दूसरे मौलाना हो, वो सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं और ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। 35 से ज़्यादा जो लोग हैं, जो शख्सियत हैं, वो इस मीटिंग में हिस्सा लिए हुए हैं। ख़ासतौर पर है जिस तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस ड्राफ्ट को लेकर आया था, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अहम बैठक है उसमें 10 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई है और यूसीसी को लेकर जो बैठक चल रही है उसमें जो ड्राफ्ट है उस पर चर्चा की जाएगी और उस चर्चा के बाद जो मसौदा तैयार होगा, जो ड्राफ्ट को लेकर जो बातें निकलकर सामने आएंगी उसको लॉ कमीशन के सामने रखा जाएगा।